आरआरबी की तरफ से एक नई अपडेट आई है और वो ये है कि आरआरबी ग्रुप डी की जो भी एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। आरआरबी ने अभी लगभग 1 घंटे पहले ही ये नोटिस निकाला है और इस नोटिस में उन्होंने सेकेंड पॉइंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके जो एग्ज़ाम है ग्रुप डी के वो 23 फरवरी 2022 से आपके स्टार्ट होने वाले हैं अलग अलग फेसेस में, और आपका जो भी एग्ज़ाम सिटी है वो आपको एग्ज़ाम डेट के 10 दिन पहले ही आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा जिसमें आप अपना एग्ज़ाम सिटी देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो भी SC ST के कैंडिडेट्स हैं उनको अलग से ही उनको ट्रैवलिंग कंसेशन दिया जाएगा। आप वो जहाँ पर भी अगर उनका जो एग्ज़ाम है वो किसी दूसरी सिटी में है तो उनको ट्रैवल अलग से उनको मोड दिए जाएंगे जिससे उनको प्रॉब्लम ना हो। और नेक्स्ट आपको मैं बता दूं कि आपका जो हॉल लेटर है जिसमें आपको सेंटर पता चलेगा वो एग्ज़ाम से आपको 4 दिन पहले ही आपको पता चल जाएगा। और टोटल 485,607 कैंडिडेट्स हैं जिनकी जो अप्लीकेशन है वो रिजेक्ट पाई गई है। तो आप जितने भी लोग हैं वो अपनी आरआरबी की वेबसाइट में जाके आप अपना अप्लीकेशन स्टेटस एक बार दोबारा से चेक कर लें कि कहीं आपका ही अप्लीकेशन तो रिजेक्ट नहीं हुआ है, वो एक बार आप जाके देख लीजिए। अगर आपका हुआ है तो आप इसको मॉडिफाई करा सकते हैं। आरआरबी ने एक अलग से मौका दिया है। मॉडिफिकेशन की जो लिंक है वो मैं आपको नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। जब भी आपका मॉडिफिकेशन लिंक एक्टिवेट होगा तब मैं आपको एक बार फिर से इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और ये जो लिंक है वो 15/12/2021 से 26/12/2021 मतलब 11 दिन के लिए ओपन रहेगा। तो अगर आपका अप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है तो आप इसको यहाँ से जाके मॉडिफाई करा सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इसके अलावा मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करा दूंगा जब भी ये लिंक आएगी। उसके अलावा आप किसी भी वेबसाइट के थ्रू लिंक मत ओपन करिएगा क्योंकि कई बार क्या रहता है कि ये फ्रॉड भी हो सकता है, जो कि आरआरबी ने ये आप जो लेटर आप देख रहे हैं उसमें 6 नंबर पॉइंट पे दिया गया है। तो आप एक बार ज़रूर ध्यान से एप्लीकेशन देख लीजिएगा और इसके अलावा आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं।